नमस्कार प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है व्यंजन न। मैं आप सबका दोस्त बनने आया हूँ और आपके लिए लाया हूँ न से शुरू होने वाले नए नए शब्दों की पहेलियाँ। तो क्या आप सब तैयार हैं? तीन अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, बंद करो तो दुनिया अंधेरी, खोलो तो सारी दुनिया है मेरी। कौन हूँ मैं? बूझो बूझो, सोचो सोचो, कौन हूँ मैं? जी हाँ, न से नयन, न से नयन। चलते हैं अगली पहेली की ओर। जल से भरा एक मटका, जो है उल्टा लटका, पी लो पानी है मीठा, जरा नहीं है खट्टा। बूझो बूझो, कौन हूँ मैं? कौन हूँ मैं? सोचो सोचो। अरे जी हाँ, मैं हूँ न से नारियल, न से नारियल। अगली पहेली क्या है? मेरी माँ की है वह माँ, सुनाती मुझे नई नई कहानियाँ। बूझो बूझो, कौन हूँ मैं? सोचो सोचो, कौन हूँ मैं? बहुत प्यार करती हैं वो हमें। जी हाँ, न से नानी, न से नानी। चले अगली पहेली की ओर। पानी से पैदा होता, पानी में ही घुल जाता हूँ, हर रसोई में रहता, खाने का स्वाद बढ़ाता हूँ। कौन हूँ मैं? सोचो सोचो, सबकी रसोई में होता हूँ, क्या नाम है मेरा? अरे हाँ, न से नमक, न से नमक। चलिए चलते हैं अगली पहेली की ओर। आपकी वह कौन सी चीज़ है जो आपसे ज़्यादा दूसरे इस्तेमाल करते हैं? अरे सोचो सोचो सोचो, क्या जवाब मिला? मिला मिला, जी हाँ, यह है आपका नाम, न से नाम। अगली पहेली। सुंदर सुंदर सपने दिखाती, रात में सबके पास है आती, थके हुए को देती आराम, जल्दी बताओ इसका नाम कौन है? जब हम थक जाते हैं तो कौन आता है हमारे पास रात में? जी हाँ, बहुत बढ़िया, न से नींद, न से नींद। तो आइए बच्चों, अब हम सीखते हैं व्यंजन न लिखने का सही तरीका। सबसे पहले लाला जी का सीधा डंडा, एक लंबी सोती रेखा, एक तिरछी रेखा और अब एक सीधी रेखा, और बनाएंगे ऊपर एक छत। चलिए एक और बार सीखेंगे। लाला जी का सीधा डंडा, एक लंबी सोती रेखा, तिरछी रेखा और एक सीधी रेखा, और अब बनाएंगे छत। यह व्यंजन न है, यह व्यंजन न है।